दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल हॉलीडे आपको देखने को मिलेंगे अगले 3 से 4 दिनों में। मल्टीपल हॉलीडे यानी कि ट्रेडिंग सेशन आपके पास 3 से 4 आपको देखने को मिलेंगे और हॉलीडे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप आज इंट्राडे में प्रॉफिट भी कर रहे हो तो कल आपके सेटलमेंट शो नहीं होंगे, यानी कि कल आपका प्रॉफिट या देखिएगा लॉस वहां पे पूरी तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कारण से देखिएगा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वोलेटिलिटी काफी एक्सट्रीम देखने को मिलेगी कल और देखिएगा आने वाले 3 दिनों में। अब ऐसा क्यों होगा, एक एक करके जानते हैं कि आपको पता होना चाहिए कब क्या अनाउंसमेंट एनएससी कर रहा है, जिसके हिसाब से आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो अपने ट्रेडिंग सेटअप को लेकर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि यहां पे आज आपको देखने को मिला है सेटलमेंट हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ गुड़ी पड़वा अप्रैल 09, 2024। अब ये सेटलमेंट हॉलीडे क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि सर सेटलमेंट हॉलीडे का मतलब क्या है, और बहुत सारे लोग कल भी करेंगे कि सर मैंने प्रॉफिट किया था लेकिन वो प्रॉफिट क्रेडिट नहीं हुआ। तो वो एक्चुअल में क्या है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने भी चाहिए कि सेटलमेंट हॉलीडे देखिएगा एक तरीके का ऐसा हॉलीडे होता है कि जिस दिन आप ट्रेडिंग तो कर सकते हो, यानी कि ट्रेडिंग की कोई भी मनाही नहीं होती है। अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग पॉसिबल होती है, लेकिन यहां पे आपके ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट नहीं होता। जैसे कि आपने अभी देखा होगा सेबी ने एक नया रूल लाया था T+0 सेटलमेंट, तो आपको पता है वहां पे सेटलमेंट उसी पर्टिकुलर डे पे हुआ जा रहा था। लेकिन जब इस तरीके के सेटलमेंट हॉलीडे होते हैं तो ऐसे में जो देखिएगा पहला जो चीज होगी कि यहां पे योर अकाउंट बैलेंस विल नॉट इंक्लूड द क्रेडिट ऑन अप्रैल 9, यानी कि आपका अप्रैल 9 को कोई क्रेडिट इंक्लूड नहीं होगा। जो आपने 8 को किया होगा, चाहे कॉमोडिटी में किया हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया हो, चाहे आपने कहीं पर भी किया हो, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो ट्रेड आज आप करोगे, यानी कि जो भी आप आज कर रहे होगे या फिर BTST लेके जा रहे होगे, तो ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर काइट बैलेंस ऑन अप्रैल 10। तो आप समझ सकते हो कल ये इंक्लूड नहीं होंगे, कल आपकी पोजीशन के प्रॉफिट भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो ऐसे में देखिएगा बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, अरे आपको भी पता है कि मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पास मार्जिन ज्यादा रहेगा, लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा, तो आप बेटर ट्रेड कर सकते हो। सेटलमेंट हॉलीडे के कारण लिक्विडिटी पे भी कल इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे वोलेटिलिटी बढ़ेगी। और आपको इसके अलावा फिर बात करते हैं कि तुरंत जैसे आप कल का दिन बिताओगे, वैसे ही देखेगा आपको ईद की छुट्टी देखने को मिलेगी, यानी कि फिर आपको एक्चुअल हॉलीडे देखने को मिलेगा जहां पे आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हो और सेटलमेंट हॉलीडे तो रहेगा ही। तो जिस कारण से देखेगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हॉलीडे हो गया, सेटलमेंट नहीं है, प्रॉपर हॉलीडे है। जिस कारण से देखेगा जो आपकी निफ्टी की एक्सपायरी बृहस्पति को होनी थी वो भी कल देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आपको कल ही देखने को मिलेगी। अब क्योंकि सेटलमेंट हॉलीडे है आज, तो आपको पता है कि कल लिक्विडिटी पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेटलमेंट ही नहीं होंगे। जब सेटलमेंट नहीं होंगे तो मार्जिन नहीं होंगे, मार्जिन नहीं होंगे तो लिक्विडिटी इधर उधर होगी। तो जिस कारण से जो कल की एक्सपायरी होने वाली है वो कल काफी अच्छी धमाकेदार होने वाली है, कल आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो विदाउट स्टॉप लॉस वर्क मत करिएगा, क्योंकि कल आपको बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी और कल आपको निफ्टी की भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम देखिएगा ये चीज देखने को मिलेगी, इसलिए वोलेटिलिटी भी बहुत रहेगी। और दूसरी बात, कल लोग इसलिए भी ट्रेड करेंगे क्योंकि यहां पे आपको पता है कि 11 तारीख को प्रॉपर हॉलीडे है ईद के देखिएगा वजह से। तो अब आप समझ सकते हैं कि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ में डेटा भी कल आने वाला है बहुत सारा। तो ये तो हो गया आपके 2 हॉलीडे। अब इसके बाद आपको पता है कि यहां पे जैसे ही 12 तारीख को मार्केट खुलेगा, 12 तारीख को, उसके बाद फ्राइडे के बाद फिर 2 दिन मार्केट बंद हो जाएगा, सैटरडे संडे। तो टोटल हॉलीडे कितने हो गए, 2 ट्रेडिंग सेशन में 4 हॉलीडे आपको देखने को मिलेंगे। अब 4 हॉलीडे के बाद एक हॉलीडे और अनाउंस कर दिया एनएससी ने कि मई 20 को यह इंक्लूड किया गया है, चूंकि इलेक्शन ईयर है तो मई 20 को आपका ट्रेडिंग सेशन नहीं होगा। लोकसभा के इलेक्शन है मुंबई में, यह भी एक इंक्लूड हो गया, लेकिन ये आगे देखने को मिलेगा। फिर 17 अप्रैल को जिस दिन वेडनेसडे है फिर से आपको हॉलीडे देखने को मिलेगा,
यानी कि आने वाले हफ्ते में जब स्टार्टिंग होगी तो वेडनेसडे को यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन भी हॉलीडे ही आपको देखने को मिलेगा, और उसमें भी आपको देखेगा उस पर्टिकुलर वीक में भी आपको चार ट्रेडिंग सेशन देखने मिलेंगे, तीन हॉलीडे देखने मिलेंगे। तो अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो 10 दिनों में 6 दिन बाजार बंद ही रहेगा। तो ये चीजें देखिएगा इंपैक्ट करेंगी स्टॉक मार्केट को। तो आने वाले देखिएगा जो दिन होने वाले हैं उसमें हर दिन अपडेट है, हॉलीडे है, इन सब चीजों के कारण मार्केट में मूवमेंटम बहुत तेजी से होगा। तो विदाउट स्टॉप लॉस वर्क ना करिएगा। राम राम।